मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। आप नागालैंड में जाइए, वो इस देश का पहला ऐसा प्रदेश है जिसने घोषित किया है कि हमारी राज्य भाषा अंग्रेजी है। भारत के संविधान में कहीं नहीं, ये नागालैंड में चलता। और नागालैंड में मैं गया पिछले साल, तो पिछले साल जब मैं दीमापुर जा रहा था, कोहिमा से दीमापुर, तो रास्ते में मुझको रोक दिया और रोकने के बाद पुलिस वाले ने कहा कि आपके पास वीजा है, तो मेरे अंदर से पहले कपकपी सी छूटी। मैंने कहा वीजा मांग रहे मेरे ही अपने देश के एक गांव में जाने के लिए वीजा के? हाँ, आपको वो सारे परिपत्र चाहिए, नहीं तो हम आपको जाने नहीं देंगे। तो बॉर्डर पे दूसरा आदमी खड़ा था, उसने कहा कि आप हिंदुस्तान से आया। मैंने कहा आप हिंदुस्तान का नहीं है? कि हम हिंदुस्तान का नहीं है, हम हिंदुस्तान से अलग होना मांगता। ये बात नागालैंड में घुसी हुई है। और आप नागालैंड जाइए, आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने कितने बड़े लेवल पे पैसा बांट बांट कर वहां के लोगों का धर्म परिवर्तन करा के, सिर्फ धर्म ही परिवर्तन नहीं कराया, उनको हिंदुस्तान से अलग करना है, यहां तक मानसिकता बना दी। और कल को आपको यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अलग नागालैंड की मांग करने वाले कुछ लोग वहां खड़े हो जाएंगे। तो हिंदुस्तान के ऐसे दसियों प्रदेश हैं जिनको अलग अलग हिंदुस्तान से बांटना है, और इसकी पूरी प्लानिंग अमेरिका में CIA के लोग बैठकर बनाते हैं, क्योंकि बिल क्लिंटन इस बात को कह चुके हैं, उनके पहले रोनाल्ड रीगन भी कह चुके थे कि हिंदुस्तान और चीन हमारी हिट लिस्ट में नंबर एक है। सोवियत संघ को तो हमने तोड़ दिया जैसे तोड़ना था, अब तोड़ने के लिए दो ही देश हमारे सामने हैं, या तो चीन है या भारतवर्ष। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।